जेल एडीजे मालिनी अग्रवाल ने किया निरीक्षण। खुशियां मनाएंगे, अपने घर नई होंडा लाएंगे, क्या सर्वोत्तम सेल्स और सर्विस भी पाएंगे, 30 साल का भरोसा जो अपनाएंगे। अजमेर ऑटो ले आए हैं अजमेर होंडा, जहां है होंडा टू व्हीलर की कंप्लीट रेंज और साथ में वही विश्वास वही भरोसा जिसे आप जानते और पहचानते हैं 30 सालों से। अपने घर नई होंडा लाएंगे। जेल एडीजे मालिनी अग्रवाल आज एक दिवसीय अजमेर दौरे पर रही। अग्रवाल ने हाई सिक्योरिटी जेल सेंट्रल जेल व ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों से जेल में व्याप्त अव्यवस्थाओं में सुरक्षा को लेकर चर्चा की। जेल में लगातार मिल रहे मोबाइल फोन को लेकर अग्रवाल ने कहा कि टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है ताकि अपराधी द्वारा की जा रही आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके। साथ ही यदि इसमें किसी पुलिस अधिकारी व सिपाही की भागीदारी मिलती है तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कोविड-19 को लेकर अग्रवाल ने कहा कि जेल प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतते हुए कार्य किया जा रहा है एवं जेल बंदियों को भी इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। मैम, आज आपका दौरा रहा अजमेर में, कहाँ कहाँ पे और किस तरह की व्यवस्थाएं देखी? एक तो आज यहाँ पर अजमेर मेरा आना हुआ था, तो उसमें जो अपनी एक तो हाई सिक्योरिटी जेल है और यहाँ पर सेंट्रल जेल भी है, इन दोनों का दौरा किया है और इसके साथ ही साथ जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका भी दौरा किया है। इसमें ऑफिसर से भी यहाँ पर बात करी है कि इनके क्या प्रोग्रेस है, कैसा चल रहा है, प्रिजन्स में इनके जो दोनों जेल्स हैं उसमें कैसे अरेंजमेंट्स हैं, बंदियों का की क्या समस्याएं हैं या बंदी सुरक्षा को लेके और सुरक्षित रहें और इसके अलावा कोई अवांछनीय गतिविधियों में ना लिप्त रहें, उसके बारे में भी इनसे चर्चा करी गई है। और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं यानी कि प्रिजन में और भी इनकी कोई ज़रूरतें हैं जिससे कि हम इनके हाथ और सुदृढ़ कर सकें, तो उसके बारे में भी इनसे चर्चा करी है। मैम, हमेशा ये सवाल रहा है, लिया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं देखा जाता कि बंदी अपनी व्यवस्था से किस तरह से ले जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए जेल प्रशासन क्या कर रहा है? अच्छा, देखिए ऐसा है कि ये एक बड़ी विकट समस्या अपने सामने रही है, ख़ास तौर पर जब से टेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हर दिशा में हो रहा है, तो क्रिमिनल्स भी क्राइम करने के लिए टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में ख़ास तौर पर जैसे जेलों में मोबाइल फ़ोन्स की समस्या है या कम्युनिकेशन कर लेते हैं वो इलीगल कम्युनिकेशन कर लेते हैं, तो उसको लेकर के जो हमारे डीजी प्रेजेंस है उन्होंने एक ऑपरेशन फ्लश आउट के नाम से करा हुआ है, आप सब ने भी इसके बारे में सुना होगा, और उसके अंतर्गत अभी हमारे पास बड़ी संख्या में जो है बड़ी तादाद में सारी प्रेजेंस में मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, उनके चार्जर्स मिले हैं, के डेटा केबल मिला है और भी जो उसके साथ में दूसरी एक्सेसरीज होती है वो मिली है। इसमें जो अधिकारी या कर्मचारी लिप्त हैं उनको भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों में ये संकेत दिए गए हैं कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई करी जाएगी, और जिनकी संपूर्ण लिप्तता पाई गई है जिन कर्मियों के, उनके खिलाफ बहुत ही एक्सट्रीम एक्शन भी हुआ है, स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है, और जिसका ये नतीजा है कि हमारे सर्च ऑपरेशंस कंटिन्यूसली चल रहे हैं और उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, काफ़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी भी हुई है, सभी रीजन्स की बात कर रही हूँ, और उससे जो है एक अपने लिए भी व्यवस्था ठीक है और आगे जो प्रिजनर्स हैं उनको भी ये मैसेज बहुत क्लियर जा रहा है कि ये जो आप अगर इलीगल गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं तो ये जो है हमें बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा, देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने जो यहाँ पर प्रहरी हैं, जो RAC लगी हुई है, उनको भी एडिक्वेटली ब्रीफ किया गया है कि अगर इस प्रकार से कोई अवांछनीय सामग्री मिलती है इनके पास में, पहले तो बात यह है कि जाना ही नहीं चाहिए, कैसे गया, तो उसमें वो भी ज़िम्मेदार होंगे, तो इसको लेकर के हम लोग बहुत ही ज़्यादा सचेत हैं और उसमें एक्शन भी बहुत हो रहा है। कोविड का खतरा भी मैडम लगातार बढ़ रहा है, जेल में बड़ी संख्या में कैदी होते हैं, उसको लेकर सुरक्षा की? देखिए ऐसा है कि एक समय ऐसा आया था कि जब प्रेजेंस में हमारे यहाँ कई एक प्रेजेंस में तो बहुत ही ज़्यादा
संख्या में कोविड पॉजिटिव हो गए थे बंदी, लेकिन हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी हमें हिम्मत की दाद भी देनी पड़ेगी, प्रशंसा भी करनी पड़ेगी कि बहुत सारे जो कैदी हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया, कोविड वार्ड्स बनाए गए और उसमें जो है फिर उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया गया और वो जल्दी स्वस्थ हो गए और मोर देन 95% कैदी जो हैं एसिम्प्टोमेटिक ही थे। इसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग कैदी हैं और दूसरे जो इस तरीके के कैदी हैं कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जिनमें जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ हैं, उनको हमने जो है पहले हमारे डॉक्टर्स की टीम ने अलग से आइडेंटिफाई करके उनके अलग अरेंजमेंट्स कर रखे थे ताकि, क्योंकि प्रिजन्स हैं एक बड़ा ही मतलब क्लोज सा एनवायरनमेंट होता है और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो उसको देखते हुए एक सफाई अभियान भी बहुत अच्छे से ज़ोरों से चल रहा है हमारी प्रेजेंस में। हम लोग फिनाइल बना रहे हैं, झाड़ू बना रहे हैं, पोछा बना रहे हैं और उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि सभी बंदियों में, स्टाफ में सफाई के प्रति बहुत जागरूकता आ गई है, तो वो हाइजीन स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई हो गए हैं। और इसके साथ ही साथ जो बिकॉज़ वो हमें इन सब को पता है कि कोरोना कितना सीरियस हो सकता है, तो उसको देखते हुए भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है और अब देखा जाए तो हमारी संख्या फिर से बहुत ज़्यादा घट गई है, बिल्कुल 200 के अंदर ही आ गई है बल्कि।